दोस्तों हमारे पास आई है BS6 मॉडल एक्सिस, और इसमें दो काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि दो काम किस किस चीज़ के हैं, और इसमें सर्विस का रिमाइंडर और सर्विस कहाँ पर आपको सेट करनी है, कैसे सेट करनी है, कितने किलोमीटर पर आप चाहते हैं सर्विस सेट करना, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और इस गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम और भी है कि गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी तो बैटरी वैटरी के तार निकाल दिए थे मैकेनिक ने, और उसके बाद जब लगाए तो ये एरर आ गया इसके अंदर, FI कोड आ रहा है इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इस कोड को हमें कैसे हटाना है और इसकी सर्विस कैसे सेट करनी है, सर्विस रिमाइंडर कैसे हटाना है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों जो पहली प्रॉब्लम है वो हम इससे सॉर्ट आउट करेंगे, क्लियर करेंगे इसको OBD स्कैनर से। जो इसके अंदर लाइट आ रही है, जो ये लाइट आ रही है, एरर आ रहा है, इस प्रॉब्लम को हम इससे ख़त्म करेंगे, इरेज करेंगे इसको, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि मीटर में कैसे मीटर को सेट किया जाता है। तो दोस्तों लीड कनेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर सुजुकी की, OBD स्कैनर हमारा कनेक्ट हो चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे इरेज करते हैं इस कोड को। तो दोस्तों इसका जो है इरेज करते हैं इस प्रॉब्लम को, इसको हल करते हैं बिल्कुल। इरेज पे डालते हैं और क्लियर करते हैं गाड़ी को। तो देखा दोस्तों आपने, इसका कोड जा चुका है, FI लाइट भी चली गई, कोड भी चला गया, और गाड़ी क्लियर हो गई। अभी हमें क्या करना है, एक बार चाबी बंद करनी है और उसके बाद ऑन करनी है और स्टार्ट करनी है गाड़ी को। स्टैंड बंद कर, तो दोस्तों OBD टूल इसमें से निकाल दिया है, और इसकी जो ये FI की प्रॉब्लम थी ये ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कोई लाइट नहीं है। और दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ इसका मीटर कैसे सेट करना है। बहुत से कस्टमर कहते हैं मेरा मीटर सर्विस पे सेट कर दो, इस पे सेट कर दो, नहीं पता, तो आज उसको सीख लो आप। जैसे इसमें ऑयल चेंज आ रहा है तो इसको हमें कैसे हटाना है मैं आपको दिखाता हूँ। चलो तो दोस्तों ये A पे है ट्रिप, पहले हम इसको ख़त्म करेंगे, ज़ीरो करेंगे इसको, ये ज़ीरो हो गई। अब दोबारा ट्रिप करेंगे, यह भी ज़ीरो करेंगे, और अब इसके बाद इसकी सर्विस लाइट को हटाएंगे। इसको बटन को हमें प्रेस करके ही रखना है, ये प्रेस करा हमने, चाबी बंद करी और उसके बाद ऑन करी। तो दोस्तों देख सकते हो आप सर्विस रिमाइंडर जा रहा है इसका, तो सर्विस रिमाइंडर जा चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी सर्विस सेट करनी है। ये आ गई फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग पे अपने को क्या करना है, इसको दबा कर रखना है। अब हमने दबा कर रखी, अब इसके ऊपर रीडिंग बिलिंग करने लगी। अब हमें कहाँ पे सेट करना है, मान लो 2000 पे सेट करना है, तो 2000 पे ही बटन को दबा कर रखना है। फाइनल रीडिंग आ गई, अभी इसका जो ऑयल चेंज अगला आएगा वो 2000 किलोमीटर पे ही आएगा। जो बीच बीच में आ जाता है वो इसीलिए आ जाता है क्योंकि हम सेट नहीं करते, और हमने अगर जो इसे सेट कर दिया तो 2000 किलोमीटर पे ही रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों देखा आपने, इसका सब कुछ सेट हो चुका है, 00 AB, जैसे A की रीडिंग हटानी है, ये ट्रिप की रीडिंग हटानी है दबा कर रखना है, फिर दोबारा ट्रिप की रीडिंग हटानी है तो दबा कर रखना है, और फाइनल रीडिंग पे लाकर आपको दबा कर रखना है। फिर उसके बाद इसमें नंबर आने लगेंगे 2000, 500, 2500, 3000, 4000। तो जहाँ भी आपको सेटिंग करनी है यही बटन दबा कर रखना है, और आपकी सर्विस वहीं पर सेट हो जाएगी। बीच बीच में जो रिमाइंडर आता है वो आएगा ही नहीं। और देखा दोस्तों आपने, FI लाइट भी चली गई और सर्विस भी सेट हो गई, रिमाइंडर भी चला गया। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।